सो मैंने मॉम के बहुत सारे रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं और आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेड थाई करी विद राइस। सो आई पेड 396 फॉर 4 प्रोडक्ट्स। सो एक पैकेट में राइस है एंड दूसरे में पाउडर्ड थाई करी, जिसमें से बहुत अच्छी कोकोनट की स्मेल आ रही है। नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड हॉट वाटर, इसमें जो लाइन बनी है बस वहाँ तक। सो इसको मिक्स करना एक टास्क था क्योंकि इसमें लम्स बन गए थे एंड इट टुक मी फॉर एवर। एज पर इंस्ट्रक्शन यू हैव टू लेट सिट फॉर 8 मिनट्स, बट मैं हमेशा 12 मिनट्स तक इसको कुक होने देती हूँ। सो दिस लुक्स नाइस। Let me quickly give out today's shoutouts, and the shoutout goes to Arpita and Sia. So, आपको ज़्यादा क्या पसंद है, red or green thai curry? This one was creamy, coconutty, overall quite delicious. This will get a 3.5/5. Hey gang, what's up? Let's review Mom's biryani with shahi gravy. So this is the second product जो मैं इस brand का try कर रही हूँ. And if you guys want to order this, I can share the link with you all. Just let me know in the comment section. It will take 8 minutes for the biryani to get ready. जब तक biryani ready होती है, आज का shout out दे देते हैं. And today's shout out goes to Foodie Online. सो इस बिरयानी के साथ एक ग्रेवी भी मिलती है जो आप बिरयानी रेडी होने के बाद उस पर पोर कर सकते हैं एंड आपको उसको हीट नहीं करना। सो इसका टेस्ट बिल्कुल पुलाव जैसा था एंड आई विल गिव दिस अ 5/10। ओके बाय। लेट्स रिव्यू रेडी टू ईट मैक्सिकन राइस विथ टमेटो साल्सा। सो ये मॉम ब्रांड का प्रोडक्ट है। आई हैव ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम अमेज़न एंड इफ यू गाइस वांट द लिंक लेट मी नो। यहाँ पे आपको टमेटो साल्सा मिलता है, मैक्सिकन राइस एंड अ वेरी क्यूट छोटू सा स्पून। मैक्सिकन राइस को कंटेनर में एम्प्टी करिए and then add hot water and let it sit for 8 minutes. By the way, do you like Mexican food? If yes, let me know in the comment section. So 8 minutes ke baad ye kuch aisa lag raha tha. Jab aapke rice ready ho jayenge, uske baad aapko is pe tomato salsa dalna hai. Today's shout out goes to Ajay and Sara. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 टेबलस्पून टमेटो साल्सा डाला है। ऑफ कोर्स ये ऑथेंटिक मैक्सिकन राइस जैसा तो नहीं है, बट स्टिल इट टेस्ट प्रीटी गुड। दिस विल गेट अ 3.5/5। हे गैंग, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मॉम का फ्राइड राइस विद शेजवान ग्रेवी। सो दिस इज द 4th प्रोडक्ट जो मैं इस ब्रांड का रिव्यू कर रही हूँ एंड अगर आपने बाकी रिव्यूज नहीं देखे तो फटाफट से जाके देख लो। सो आपको ज़्यादा क्या पसंद है, राइस या नूडल्स? जब तक ये रेडी होता है, आज का शाउट आउट दे देते हैं एंड टुडे शाउट आउट गोज़ टू दुबे जी एंड शिष्टि। सो इस राइस के साथ जो हमको शेजवान ग्रेवी का पैकेट मिलता है, आपको उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके राइस रेडी हो जाए तो आप उस ग्रेवी को बस पोर करिए एंड इन्जॉय। सो अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो फ्राइड राइस का टेस्ट डिसेंट था, आई डेफिनेटली हैड बेटर, बट मुझे शेजवान ग्रेवी बिल्कुल नहीं पसंद आई। सो ओवरऑल आई गिव दिस अ 4/10। ओके बाय।